हो चांदनी जब तक देता है हर कोई सा, मगर तुम अंधेरों में ना छोड़ना मेरा है ना। बहुत प्यारा सॉन्ग, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी मूवी का ये सॉन्ग है, और ये सॉन्ग कंप्लीट कीजिए। बाकी आप बता सकते हैं कि कौन से एक्टर ने इसमें काम किया है। चलिए जल्दी से जाइए और फटाफट से कमेंट करिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का। हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, हर हर महादेव और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए, थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन करना है क्योंकि 1 जुलाई से रीस्टार्ट हो रहे हैं, हॉलीडेज अभी ऑफ हो गए हैं। तो चलिए, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो ऑलवेज़ हैप्पी रहिए एंड हेल्दी रहिए, और ख्याल रखिए अपने बड़ों का और छोटों का। चलिए मिलते हैं आपसे स्कूल। अभी देखिए वेदर चेंज हो गया, सुबह जब मैं स्कूल जा रही थी तब धूप बहुत तेज़ हो रही थी, और अभी हवा चल रही है, घटा हो रही है। एक्चुअली स्कूटी से आ रही थी बट उसका पेट्रोल ख़त्म, किसी को पता ही नहीं था, फिर गर्मी में मुझे आना पड़ा पैदल। थोड़ा सा मीटिंग वगैरह की स्कूल जाके, 12 बजे में पहुंची स्कूल, और अभी जा रही हूँ घर पे। तो देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं समोसा पार्टी, सबके लिए समोसे आए हैं, और चटनी रेड वाली ग्रीन वाली। ये टीटू का समोसा, ये मेरा समोसा, मम्मी है सुबह इनकी मम्मी भी नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और दिखाते हैं कहाँ पर जा रहे हैं, वहीं पर ही आपको जो है वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वेदर बहुत मस्त हो रहा है, देखिए घटा हो रही है, ठंडा एकदम बारिश वाला माहौल बना हुआ है। तो पूरी फैमिली जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे भाई। अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, और देखिए वेदर एकदम मस्त वाला हो रहा है। फिर अभी हम लोग आए हैं श्री खाटू धाम मंदिर, तो ये हमारे पास ही है, घर के पीछे ही है खाटू धाम मंदिर। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारा कुछ काम था जो कि हो गया है, लेकिन कुछ परसेंट अभी उसमें रह रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर बोर्ड रखा था। तो अभी हम लोग इसलिए यहाँ पर दर्शन करने आए हैं बाबा के, काफ़ी दर्शन किए। जय श्री श्याम लिख दीजिएगा कमेंट में। और जो काम हमारा है वो मैं बहुत जल्दी आपको बताऊँगी कि क्या काम था, लेकिन अभी फिलहाल आपको
अभी देखिए भैया जो है ना यहाँ पर मतलब उन्होंने कान्हा के दर्शन किए और बोले कि वो राधा जी का जाप कर रहे थे। मैंने आपको सुना था कि राधा राम जाप करने से भगवान खुद आके सुनते हैं, आज मैं जाप कर रहा था और देखा भगवान खुद बैठे थे। कान्हा आ गया मेरा एकदम से, जय श्री राधे, तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। चलिए कान्हा जी इनकी हर मनोकामना अच्छा पूरी करें, इनको खूब कामयाबी दे, इनके परिवार को इनको खूब अच्छे से रखें ना कान्हा जी, अपना आशीर्वाद दो। जय श्री राधे। पापा के लिए लाइट जलाओ। तो पुरस्कार थोड़ा लेट हो गया है, कौन देगा मतलब खाशाबा जादव को नहीं मिला? जादव को नहीं। अभी हुआ है इंटरवल मूवी का और हम लोग अभी बैठे हुए हैं, बच्चों के डैडी लेने गए हैं बच्चों के लिए पॉपकॉर्न। तो गाइस अभी हम जो मूवी देखने आए हैं उस मूवी का नाम है चंदू चैंपियन, और बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस मूवी को देखकर आपको, बहुत ही बढ़िया मुझे ये मूवी लगी। और इसमें उसको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल दिखाया लाइफ का, अभी डॉल साथ में है, लाइफ का बहुत स्ट्रगल दिखाया है, वो एक आर्मी में रहा और चैम्पियन बनता है। तो इस मूवी को आप लोग देखने ज़रूर आइए, बहुत ही मोटिव मिलेगा और मतलब कुल मिला के टोटल बहुत अच्छी लगी हमें मूवी, और आप लोग भी ज़रूर आइएगा मूवी देखने के लिए। बाकी अभी हम लोग इंटरवल के लिए बाहर आए हैं, फुल मूवी देखने के बाद आपको और अच्छे से इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत मतलब इस मूवी को देख के और भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में करने की एक पावर मिल रही है। चलिए दिखाएँगे आपको और बताएँगे कि मूवी का मेन थीम क्या था। कैसी लगी आपको मूवी? क्या लगा उसे देख के, मतलब क्या सीखा? जैसे जब हम लोग गए थे ना वहाँ पे, क्या कहते हैं, हम लोग अमृतसर गए थे, तो हम लोग बाघा बॉर्डर गए थे, तब आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने पूछा था बॉडीगार्ड से कि फौजी बनना ऐसा आसान होता है, तो वो ही फौजी की लाइफ इस पिक्चर में दिखाई गई है। और वाओ, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छी बात रिमेम्बर थी। ओके गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कमेंट करके बताइएगा गाइस कितना अच्छा वो बताया ना इसमें, वाकई में उसमें एक फौजी की लाइफ दिखाई गई है और स्ट्रगल दिखाया गया है लाइफ का। चलिए मिलते हैं फिर आपसे, और इंटरवल के बाद की मूवी और रह गई है वो देखते हैं, फिर आपको बताते हैं इस मूवी के बारे में फुली। ले ली गई है पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक, मेरी आइसक्रीम कब लिया ना वो लग गया विद कोल्ड ड्रिंक। अच्छा कितने का है ये तो बताओ, गाइस को पता चले ना। 450 का ये ओनली
कोल्ड ड्रिंक एंड वन बकेट पॉपकॉर्न। मुझे कप चाहिए, कप है, कप हो रहे चॉकलेट कप भाई। यहाँ पर महंगा बहुत है, मॉल के अंदर है ना, थोड़ा रीजनेबल रेट होना चाहिए चीज़ों का, खाएं भी और इन्जॉय भी करें, इतना महंगी महंगी चीज़ें रख रहे हैं। कप लेना है मुझे, हाँ ये बात, चलो आ जाओ प्रगति। तुम क्या लोग गाइस, मूवी बहुत मस्त है, मूवी देखने आओ आप लोग, जिन लोगों को लाइफ में कुछ करके बनना होता है ना, उन्हें मूवी जरूर देखना चाहिए। प्रेगनेंस है यहाँ, स्मेल नहीं है। ओके, तो टिया बता रही है यहाँ स्मेल नहीं है, यहाँ प्रेगनेंस है। वाओ, उसको स्मेल नहीं आ रही है, एकदम क्लीन लग रहा है उसको सब कुछ, वरना ये जाके कहती छी बदबू आ रही है। टिया ने अपने हैंड वॉश करके अब हैंड्स को ड्राई कर रही है, ये देखिए नाइस। अभी इस मूवी को देखकर मेरे अंदर जो फीलिंग आई, जो मैं सीखी हूँ, वो ये है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मुश्किलें आती रहती हैं, बट उन मुश्किलों से घबराना नहीं। अभी देखिए जयपुर में हो रही है बारिश, रात के टाइम भी रेन, मस्त बारिश हो रही है, के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, इसी होल की पिक्चर की मूवी की एंडिंग के साथ। अगर आपको हमारी ब्लॉग अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो और उसको आगे से आगे पहुंचाइए। और एक सीख देती हूं आपको कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सपने देखिए, अगर सपने नहीं देखोगे तो ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ोगे। तो हमेशा सपने कुछ ना कुछ देखते रहने चाहिए, हमारे जो सपने होते हैं ना वही हमें जीने का मकसद देते हैं। अगर आप सपने नहीं देख रहे हैं तो आप जीवित ही नहीं हैं। अगर ज़िंदा रहना है तो सपने देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पिक्चर बहुत मस्त है, इसको आके देखिए। जिन लोगों को आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, वो लोग इस मूवी को ज़रूर देखें, बहुत सारी पावर मिलेगी आपको इस मूवी को देखकर, और आगे कुछ करने का जज्बा मिलेगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक उसने इतना स्ट्रगल किया है कि ज़िंदगी जो है आगे उसके स्ट्रगल के साथ चलती ही गई, और लास्ट में उसने अपने जो भी सपने देखे थे उनको सच कर दिया। तो ऐसा ही ज़िंदगी में होता है, अगर इंसान कंपलसरी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को पाने के लिए लगा रहता है तो वो उस चीज़ को पा ही लेता है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ, न्यू मॉर्निंग में सुबह। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी से, और उसको शेयर करके बहुत सारे कमेंट किया करो, लाइक किया करो, साथ में शेयर करना तो कभी भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कृपा करे खोना है,
कुछ खो कर पाना है जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो अगर आपने ये सॉन्ग सुना है तो इस सॉन्ग को कंप्लीट कीजिए और बताइए कौन सी मूवी का सॉन्ग है और किस एक्टर्स ने इस सॉन्ग पर काम किया है। जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से बताइए कौन सा सॉन्ग है ये।